हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट मिनी फ्लोर मिल। अगर आप मिनी फ्लोर मिल शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि गेहूँ से बना आटा हमारे देश में मुख्य रूप से खाने की वस्तुओं जैसे रोटी, पूरी, नान, पराठा इत्यादि को बनाने में किया जाता है। और भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें खाना नहीं बनाया जाता। और इसके अलावा भी आटे का प्रयोग मिठाई, हलवा, पकौड़ा इत्यादि को बनाने में किया जाता है। और लोगों की मान्यता यह भी है कि चक्की में पिसा हुआ आटा मार्केट में उपलब्ध आटे से ज़्यादा शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक और सस्ता भी पड़ता है। बस यही खूबी मिनी फ्लोर मिल बिजनेस को बड़े पैमाने पर एक मार्केट पोटेंशियल जनरेट करती है। आटे की मिल कैसे लगाएं? आटे की मिल लगाने से पहले सबसे पहले आपको छोटी बड़ी सभी गतिविधियों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले एरिया एनालिसिस, लैंड सिलेक्शन, प्रोजेक्ट प्लान, रजिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल अरेंजमेंट, और मशीनों को खरीदने के लिए अच्छी मशीनों का चयन और मशीनों की इंस्टॉलिंग वगैरह। तो आइए जानते हैं विस्तार से स्टेप बाय स्टेप इन सभी के बारे में। एरिया एनालिसिस से हमारा मतलब ये है कि जिस जगह आप अपनी फ्लोर मिल लगाना चाहते हैं उस जगह पर मौजूद, उस जगह पर उपलब्ध आटा, उसकी गुणवत्ता, उसका मूल्य और उसको खरीदते वक्त वहाँ के लोगों का रिव्यू, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या रिव्यू है उसको लेकर कि आटे की गुणवत्ता कैसी है, मूल्य कैसा है, उसका मूल्य कम है, ज़्यादा है, जैसा भी है। आपने उस चीज़ को अगर अभी तक नहीं एनालाइज़ किया तो एनालाइज़ करना पड़ेगा, तभी आप अपने फ्लोर मिल की नींव को मजबूत कर पाएंगे, तभी आपका फ्लोर मिल बिजनेस मजबूत होगा और सक्सेस होगा। लैंड सिलेक्शन, जगह को चुनना, और यह सबसे ज़रूरी हो जाता है कि मिनी फ्लोर मिल शुरू करने से पहले आपने जगह का सिलेक्शन कर लेना ज़रूरी है। 18-15 का एक होल चाहिए होगा जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, और यह कमरा आपका खुद का भी हो सकता है या आप रेंट पे ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन शुरू करने से पहले आपके पास ही ये कमरा उपलब्ध होना चाहिए। प्रोजेक्ट प्लान, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब हम अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं तो हमें प्रोजेक्ट प्लान की क्या ज़रूरत है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो जब हमें बैंक से लोन चाहिए होता तभी बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट प्लान हमें अपने बिजनेस के प्रति निर्णय लेने या न लेने के लिए हेल्प करता है। प्रोजेक्ट प्लान में क्या होता है कि हमें अपने खर्चे और कमाई का पहले से ही अनुमान लग जाता है, जिसे हम अपने इन फ्यूचर अपने फर्म या अपनी मिल, जो भी आप शुरू करना चाहते हैं, आप फ्लोर मिल के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्लोर मिल के बारे में आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि आपका खर्चा कितना होगा और आपकी कमाई कितनी होगी, और आप अपने बिजनेस को, आप अपनी मिल को इन फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। आप उसके बारे में निर्णय ले सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। फाइनेंशियल अरेंजमेंट, प्रोजेक्ट प्लान कर लेने के बाद आपको ये पता चल ही गया होगा कि आपका फ्लोर मिल स्टार्ट करने में कितना खर्चा होने वाला है। आप उसमें जितनी पैसों की लागत लगने वाली है, वित्त की व्यवस्था करनी होती है, आप कहीं से भी कीजिए, आप लोन लीजिए या आपके पास है कहीं से भी लीजिए। आपको अपने फ्लोर मिल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना ज़रूरी है। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यह है ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नाम से, अपने ब्रांड से, अपने मार्के के साथ अपना आटा पैकिंग करके बेचना चाहते हैं तो आपको FSSAI का लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मशीनरी खरीदना, मशीनरी का चयन करते समय आपको एक बात जान लेना ज़रूरी है, मशीनों को केवल उन्हीं को खरीदीजिएगा जो आपके व्यवसाय के लिए पंजीकृत हो, और मशीनरी की प्रति घंटा अलग अलग उत्पादन क्षमता के हिसाब से मशीनरी है, तो आप अपने हिसाब से चयन कीजिएगा। और मशीनरी इंस्टॉलेशन, मशीनों को लगाने के लिए सबसे पहले तो एक बात तो ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा, मशीनों को अपने आप न लगाए, उसे किसी अच्छे मिस्त्री से लगवाएं, और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने मशीनरी को फिट कर लिया है, लगवा लिया है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो आप अपना मशीनरी के हिसाब से आप कनेक्शन ले सकते हैं, कितना हॉर्स पावर का कनेक्शन चाहिएगा, और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
प्रोडक्ट को अगर बेचने की बात करें तो सबसे पहले आप मार्केट में जाए, हर स्टोर पर जाए, आपके शहर के नज़दीकी हर स्टोर पर जाए, यानी कि जहाँ पर राशन का सामान मिलता है, यानी किराना स्टोर पर जाएँ और वहाँ से अपने प्रोडक्ट के बारे में उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित कीजिए। और ये आप पर डिपेंड है कि आप उन्हें किस तरह संतुष्ट करते हैं, आप उन्हें किस तरह अपना डिस्काउंट देकर उन्हें संतुष्ट करते हैं। और यही नहीं, आप अपने प्रोडक्ट को अपने आसपास के घरों में भी बेच सकते हैं। प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप लगा लीजिए आपके एरिया में गेहूं का रेट कितना है। हमारे यहाँ पर अभी इस टाइम पे, जब इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसका रेट है। और इस पे इसको इसका उत्पादन करने में और जो लेबर कॉस्ट एंड बैग पैकिंग बैग को लगाकर इस पे 250 रुपये चार्ज होता है एक क्विंटल का। आप 2000 रुपये की गेहूं और 250 रुपये उसके ऊपर चार्ज 2250 रुपये में बनकर तैयार होगा, आप इसको बेच सकते हैं और बिकेगा आपका 2500 या 2600 रुपये का। आप लगा के चलो 2500 रुपये बिकता है तो आप देख सकते हो 250 रुपये पर केजी के हिसाब से आपकी बचत होगी। वो आप पे डिपेंड है, आप इसको कितना बेच पाते हो, आप कितना वर्क कर पाते हो, मार्केट में कितना बेच पाते हो, वो आप पे डिपेंड है, आप कितना मर्जी कमा लो। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है, अब आप इसको बिजनेस को शुरू कीजिए, इंजॉय कीजिए और मेहनत कीजिए। थैंक यू गाइज, देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत।